आइए कुछ चौंकाने वाले जो इस साल के आंकड़े हैं उनको जानकारों के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि छात्र और उनके परिवार क्यों डरे हुए हैं। नीट के ताजा आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि इस साल टॉपर्स की संख्या ही नहीं बढ़ी बल्कि एक नंबर कम होने या ज्यादा होने पर रैंक में भी करीब 2000 का फर्क नजर आया। 2021 में केवल 3 छात्रों के 720 नंबर आए, 2022 में किसी भी छात्र के इतने नंबर नहीं आए, 2023 में महज 2 छात्रों के इतने नंबर आए, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ 67 छात्रों के छप्पर फाड़ नंबर। इसी तरह देखें तो 2021 में 710 नंबर लाने वाले 23 छात्र थे, 2022 में महज 12 और 2023 में 48, लेकिन इस साल 500 बच्चों के 710 नंबर आए हैं। इसी तरह 2021 में 700 नंबर लाने वाले छात्र 130 थे, 2022 में वो संख्या घटकर 50 पर आ गई और 2023 में 300 छात्रों को इतने नंबर मिले, लेकिन इस साल 2250 छात्रों के 700 नंबर आए। इसी तरह 600 नंबर लाने वाले छात्रों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि 2021 में 18,748 छात्रों को 600 नंबर मिले, 2022 में 21,090, 2023 में 29,280, जबकि इस साल 81,000 छात्रों के इतने नंबर आए। नंबरों में इस अप्रत्याशित उछाल को समझने के लिए हम शिक्षाविद केशव अग्रवाल से मिले। कई बरसों से ये नीट परीक्षा के डेटा का आकलन करते आए हैं। किसी बच्चे के 675 हैं और किसी के 676-677 हैं, ऐसे हैं, तो रैंकों में 1000 से लेकर 2000 तक का भी फर्क आ जाता है, डिपेंडिंग कि कितने बच्चे उसमें आ गए हैं। तो मान लीजिए 600 रैंक अगर किसी बच्चे 80,000 पे शुरू होती है और ऐसे 2000 बच्चे हैं जिसने 600 ले लिए, तो 600 रैंक पे ही आपको उसी रैंक पे कई बच्चों की रैंक चेंज हो जाएगी टाई ब्रेकर के उससे। तो यहाँ पर तो ग्रेस मार्क्स जो दिए गए वो इतनी क्वांटिटी में दिए गए, ये मेडिकल या कोई भी परीक्षा में 1-2 नंबर पे रैंकें इतनी नीचे आ जाती हैं, तो इतने नंबर देना और किस फॉर्मूला, कोई फार्मूला नहीं होता। और वो जो फार्मूला था वो ऑनलाइन एग्जाम के लिए था, जहाँ आप पूरे उससे बता सकते हैं कितने मिनट लॉस हुआ, कब क्या हुआ, क्या बच्चे ने किया, यहाँ तो कोई आकलन है ही नहीं। पुलिस की माने तो कई जगहों पर एक दिन पहले ही नीट का पेपर लीक किया गया था। इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या ज्यादा छात्रों को लीक पेपर मिले, क्या इनका उत्तर पहले मिलने से ज्यादा नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या में अप्रत्याशित उछाल आया, या ग्रेस मार्क देने से टॉप करने वालों की संख्या बढ़ गई। ये ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब लोग सरकार से चाहते हैं, ताकि छात्रों और उनके परिवारों का संदेह दूर किया जा सके और नीट की पारदर्शिता को बहाल किया जा सके। लखनऊ से रणवीर, रतनदीप और सौरभ गुप्ता के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।